हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन। वंस अगेन आज मैं आप लोगों के साथ पेरी पेरी सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, पेरी पेरी सॉस एक प्योर वेजिटेरियन सॉस है। ये स्पाइसी और चटपटा होते हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर कैप्सिकम और चिली का यूज़ होता है। कई सारे डिशेज का टेस्ट और फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स मूव माय मस्त किचन टू प्रिपेयर पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक लाल कैप्सिकम, दो लाल मिर्च, एक छोटा सा टमाटर, एक नींबू, इसका हम आधा लेंगे, दो कली लहसुन, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, नमक स्वाद अनुसार, और हम लेंगे एक बड़ी चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक बड़ी चम्मच विनेगर। सबसे पहले कैप्सिकम को ऐसे चॉप कर लें। अब टमाटर को चॉप कर लें। ये छोटा सा टमाटर है, इसे चार टुकड़े में काट लेंगे। अब हम लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और नींबू को दो टुकड़े में काट लेंगे। लहसुन को हम बारीकी से चॉप कर लेंगे। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, टमाटर, रेड चिली, लहसुन, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, नमक, विनेगर और ऑलिव ऑयल। अंत में आधा नींबू का रस ग्राइंडिंग जार में स्क्वीज कर लें। ढक्कन को बंद कर ले और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर ले। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेरी पेरी सॉस बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब एक कांच की एयरटाइट जार में इस सॉस को स्टोर करके कुछ हफ्तों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय मस्त किचन।